स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्कली मेटल्स के कुछ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करकर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। यहाँ पर बनने वाले हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं। लिथियम के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि जब हम लिथियम को वाटर में डालते हैं तो बनने वाले लिथियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड करते हैं, और लिथियम आयन का साइज छोटा होने के कारण इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है और यह वाटर मॉलिक्यूल से काफ़ी ज़्यादा सराउंडेड होता है। एज द रिज़ल्ट लिथियम आयन की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और यह आसानी से रिड्यूस होकर लिथियम मेटल बनाना प्रिफर नहीं करता है। लेकिन लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन सोडियम के कंपैरिजन में कम विग्रस होती है। सोडियम की ग्रुप में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम होती है। ये मेटल्स प्रोटॉन डोनर्स लाइक अल्कोहल, अमोनिया या फिर अल्काइंस के साथ भी रिएक्ट करके करिस्पोंडिंग सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन की। ये मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटैलिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, जो कि एक आयनिक सॉलिड्स होते हैं। आयनिक नेचर के कारण ही इन हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल हाइड्राइड्स के मेल्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि हम इन हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ग्रुप में नीचे जाने पर हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो हाइड्राइड्स की लैटिस वीक होने लगती है और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अगर हम अल्कली मेटल्स को हैलोजन्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये MX टाइप हैलाइड्स बनाते हैं। इसमें लिथियम के मेजर हैलाइड्स कोवेलेंट नेचर के होते हैं, वहीं बाकी सारे मेटल्स के हैलाइड्स आयनिक नेचर के होते हैं। लिथियम के केस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Li प्लस आयन का साइज बहुत ही कम होने के कारण इसकी पोलराइजिंग पावर या फिर कहें अनायन को पोलराइज करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और फजांस रूल के अकॉर्डिंग अगर अनायन ज़्यादा पोलराइज होगा तो उस कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर उतना ज़्यादा होगा। यदि हम लिथियम के हैलाइड्स में कोवेलेंट नेचर की बात करें तो उसका ऑर्डर हमें कुछ इस तरह से मिलता है। इसमें लिथियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का होता है। यदि हम अल्कली मेटल्स के रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो बाकी सारे मेटल्स के कंपैरिजन में अल्कली मेटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि सब्लिमेशन एंथैल्पी, जिसमें सॉलिड मेटल के एटम्स गैसियस मेटल एटम्स बनाते हैं, और अल्कली मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। वहीं दूसरा फैक्टर होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें गैसियस एटम्स गैसियस कैटायंस फॉर्म करते हैं। यहाँ पर भी अल्कली मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू काफ़ी कम होने के कारण इनका भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। फिर तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल आयंस को सराउंड करके
उसे हाइड्रेट करते हैं। और अल्कली मेटल्स के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि लिथियम आयन का साइज छोटा होने के कारण इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, और यही मेन रीज़न होता है कि लिथियम के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है और एक्वस फेज में लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या फिर कहें लिथियम की रिड्यूसिंग पावर एक्वस फेज में सबसे ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन की। तो जब हम अल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर डीप ब्लू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मेटल को अमोनिया में डालते हैं तो यह आयनाइज होकर अमोनिया के साथ मेटल अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनाता है और रिलीज हुए फ्री इलेक्ट्रॉन को अमोनिया सॉल्वेट कर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाता है। और इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण ही सॉल्यूशन विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि इसका कलर डीप ब्लू हो जाता है। सिंस सॉल्यूशन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसीलिए यह सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है तो यहाँ पर धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होता है और अमाइड फॉर्म होते हैं, जिसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट मेटल आयन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमाइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। सिंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, इसीलिए यह सॉल्यूशन अब डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है और इसका कलर चेंज होकर ब्राउन कलर का हो जाता है।